विस्तार नगर की ये कहानी आपको हैरान करके रख देगी। एक दिन की बात है, जब उस गांव में एक प्यारी सी टुन्नी चिड़िया एक घर के बाहर आके आवाज़ लगाती है। उसकी आवाज़ की चहचहाहट सुन घर के अंदर से सरला आवाज़ देती, अरे कौन है भाई? चिड़िया रानी, मैं अभी आ रही हूँ आप लोगों के लिए दाना लेके। जब वो घर से बाहर निकलती तो वो देखती कि बहुत सारी चिड़ियों का आवाज़ आ रहा था, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक चिड़िया खड़ी है। वो उससे कहती, अरे मुझे माफ़ करना, मुझे एक जगह शादी में जानी थी इसलिए मैं थोड़ा तैयार होने में देर कर दी। आपकी सारी सहेलियाँ चली गईं, मैं आपको अभी दाना दे देती हूँ, उन सब के साथ आप मिल बाँट करके खा लेना। मैं अभी भेजती हूँ दाना अपने पति से। वो घर के अंदर इतना कह चली जाती। जब उसका पति बाहर आता तो देखता वहाँ कोई चिड़िया नहीं, वहाँ एक बूढ़ी अम्मा रहती हैं जो कि मदद की गुहार कर रही थी। वो आदमी उससे कहता, अम्मा आप यहाँ खड़ी हैं, क्या आपने यहाँ से एक प्यारी चिड़िया को देखा? मेरी पत्नी सरला बता रही थी। तभी वो बूढ़ी अम्मा कहती, नहीं रामू, मैंने कोई चिड़िया नहीं देखा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? उस अम्मा के मुंह से अपना नाम सुन रामू चकित रह जाता और कहता, आपको मेरा नाम कैसे पता है? मेरा नाम तो मैंने आपको बताया भी नहीं। तभी वो अम्मा हंसते हुए कहती, मुझे सब कुछ पता है, मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ कि क्या आप मेरी मदद करोगे? रामू मदद करने को तैयार हो जाता उन पर दया खाकर। देखते ही देखते वो अपने असली रूप में आती और रामू अपने घर से कहीं दूर एकदम अनजान जगह पे जाके खड़ा होता और वो उसका असली रूप देख घबरा जाता। तभी वो पिसाचनी कहती, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगर मुझे तुम्हें मारना रहता तो मैं वही तुम्हें मार देती, पर मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें जो भी बात बताऊं तुम्हारे घर वाले सुने और इसमें रोक लगाए। मैं चाहूं तो ज़बरदस्ती भी तुमसे काम करा सकती हूं, लेकिन जो मेरे साथ जीते जी हुआ है वही मैं मरने के बाद तुम्हारे साथ नहीं करना चाहती। रामू तैयार हो जाता मदद के लिए और उनसे पूछता कि कैसी मदद करनी है। तभी वो औरत कहती, मैं तुम्हें अपनी दुख भरी कहानी बताती हूँ, फिर तुम बताना कि मेरे साथ बुरा हुआ था या नहीं, मुझे बदला लेना चाहिए या नहीं। रामू से वो अपनी दुख भरी कहानी बताना शुरू करती। रामू भी तैयार हो जाता। वो कहती, मेरी ये कहानी आज से 10 साल पहले की है। मेरा गांव का नाम सुंदरवन है, सुंदरवन गांव यहीं पास के सुंदरवन जंगल के पीछे बसा हुआ है। वहाँ उस गांव में मैं मुखिया की बेटी थी और मेरा नाम रूपाली था। मैं बहुत सुंदर हुआ करती थी इसलिए लोग मुझसे जला करते थे। ना सिर्फ गांव की लड़कियाँ बल्कि उनके माता पिता भी मुझे देख के जला करते थे, क्योंकि उनकी बेटी के लिए जो भी रिश्ता आता वो लड़के वाले मुझे पसंद करके चले जाया करते थे। इसलिए उन्होंने आपस में मिलके एक योजना बनाई। एक दिन मेरे पापा गांव से दूर गए हुए थे गांव के ही किसी काम से, और मैं क्योंकि मुखिया की बेटी थी इसलिए मेरे पास गांव वाले जब मदद मांगने के लिए आए तो मैं घर से बाहर झट से निकल गई। मुझे अपनी बातों में कुछ देर आधे गांव वालों ने उलझाए रखा। मैं उनसे बात करती रह गई और उनकी परेशानी सुनते रह गई। इतने में कुछ गाँव वाले मेरे घर के अंदर चले गए और मेरा गैस चालू करके छोड़ दिए। मेरा चाय बनाने का मन हो रहा था और मैं जाके सोची जैसे ही कि चाय बनाऊंगी, तब तक उन लोगों ने मेरा दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और तांत्रिक के पास चले गए। तांत्रिक के पास जाके वो लोग मेरी आत्मा को बांधने की बात कर रहे थे। ये बातें कर रहे थे कि वो लोग मुझे जिंदा जला रहे हैं तो मेरी आत्मा भटकेगी तो उसे कहाँ ठिकाना लगाया जाए। वो तांत्रिक भी उनसे मिल गया। उनके पास एक कुआं था, उस कुआं में मेरी अस्थि को लाने की वो बातें कर रहा था और गांव वालों से इसके बदले
वो बहुत सारे धन मांग रहा था। गांव वाले धन देने को तैयार हो गए थे, क्योंकि मेरे पिता भी शहर गए हुए थे, इसलिए वो लोग मुझे घुट घुट के मारना चाहते थे। गैस की सुगंध तो मुझे घुसते ही आ गई थी, इसलिए मैंने गैस चालू नहीं किया था। और जैसे ही मैं बाहर से किसी को बुलाने के लिए गई तो दरवाज़ा बंद कर दिया गया था और मैं चिल्लाते रह गई। मेरा फ़ोन भी छीन लिया गया और मेरे बारे में सारी बात तांत्रिक को बताई गई। तांत्रिक हंसते हुए कहा, मैं वहाँ जाता हूँ लड़की के पास और अपनी जादुई शक्ति से ही मैं उसे मार दूँगा। उसके बाद ये जो पास वाली कुआं है, मैं उसकी आत्मा को यहाँ लाके स्थापित करूँगा। पर तुम लोगों को एक बात याद रखना होगा कि तुम लोग कभी भी किसी को इस कुआं के आसपास नहीं भटकने दोगे। गांव वाले तैयार हो जाते और वो खास करके इस कुआं का ध्यान रखने का वादा करते। तांत्रिक भी उनसे मिल के तैयार हो जाता मुझे मारने के लिए। और मेरी जो आत्मा थी अपने पास वाले कुएँ में अपनी जादुई शक्ति से कैद करके ला देता। वो लोग मुझे उसमें घुट घुट के मार देते और मेरी आत्मा को कैद कर देते हैं। और तब से मैं इसी कुआं में कैद हुई थी। मेरे पिता के वापस लौटते वो लोग झूठी कहानी बता देते हैं कि मैं किसी लड़के के चक्कर में अपना जान दे दी हूँ गैस से खुद को जला के। मेरे परिवार वाले मजबूरन यकीन कर लेते हैं, क्योंकि एक साथ सारे गांव वाले एक ही बात कह रहे थे। तब से मैं इसी कुआं में बेचैन आत्मा बन के भटक रही थी। आज सुबह एक टुन्नी चिड़िया इसके ऊपर बैठी और मुझे पानी का एक बूंद पिला दी, तब मेरी आत्मा मुक्त हो चुकी है। इसलिए मैं तुम्हें इस कुआं के पास लाई हूँ। मैं तुमसे मदद चाहती हूँ, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम उन गाँव वालों को सजा दिलाओ और मेरा बदला तुम लो, क्योंकि उस तांत्रिक ने गांव में मेरा आना जाना रोक दिया है। पूरे गांव को उसने अपने मंत्र से बांध रखा है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मेरी मदद करो। रामू ये दुख भरी कहानी सुन झट से तैयार हो जाता और कहता, देखो हमें मारने से कोई फ़ायदा नहीं किसी को, उनकी सज़ा अब उन्हें पुलिस देगी। मैं उन सब के सामने तुम्हें ले कर जाऊँगा और केस करेंगे हम लोग मिलके। और जब यकीन न करे पुलिस वाले तो तुम बस उनके सामने आ जाना, फिर उन्हें जीवन भर की सज़ा हो जाएगी। और जब वो लोग जेल में रहेंगे तो घुट घुट के मरेंगे वो लोग, जिस आज़ादी और खुले आम जीने की ज़िंदगी के लिए उन्होंने तुम्हें मारा था, अब वही उनसे छीन जाएगी। तो अब मरने की भीख मांगेंगे। चुड़ैल तैयार हो जाती और उनके बातों में हामी भरते हुए वो लोग झट से जाके पुलिस स्टेशन उन्हें ज़िंदगी भर के लिए जेल में डाल देते। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक कर दें।